ये काफ़ी चैलेंजिंग थिंग होता है किसी भी एयरलाइंस के लिए, किसी भी MRO के लिए, जब वो क्या सही साबित हो सकता है, बिकॉज उनको दोनों टाइप के एयरक्राफ्ट्स को मेंटेन करना पड़ेगा। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज राजीव रंजन एंड यू वाचिंग द एविएशन माइंड। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ जेट एयरवेज रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट सामने आ रहा है, जो कि ऑपरेशन से रिलेटेड है कि आखिर जेट एयरवेज कितना एयरक्राफ्ट ले रहा है और कौन कौन से एयरक्राफ्ट ले रहा है। आप में से बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे कि भाई जेट एयरवेज का जो अपडेट है वो आप रेगुलर बेस पर दिया करो, तो आज मैं अपडेट लेकर सामने आ चुका हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड जरूर देखें ताकि फुल इन्फॉर्मेशन और फुल नॉलेज आपको यहाँ से मिल सके। सो कम ऑन, स्टार्ट द वेरी इंपॉर्टेंट एक्साइटिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो। सो गाइस, अगर बात करें जेट एयरवेज की, तो आपको पता है मैं बहुत सारे अपडेट्स दे चुका हूँ कि जो जेट एयरवेज का प्रूविंग फ्लाइट है, टेस्ट फ्लाइट है, वो सारा हो चुका है और जेट एयरवेज को AOP यानी कि एयर ऑपरेटर परमिट भी मिल चुका है। लेकिन जेट एयरवेज अभी वैकेंसीज के ऊपर फोकस कर रही है, क्योंकि जब तक एयरक्राफ्ट नहीं आएंगे तो वैकेंसीज भी नहीं आएगी। मैं बता चुका हूँ कि जो हायर मैनेजमेंट हैं उनका वैकेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट था, तो उनको ले लिया गया है। लेकिन अभी लोअर लेवल पे जेट एयरवेज वैकेंसीज नहीं निकाल पा रही, बिकॉज उनका जहाज़ नहीं आ पा रहा है, उनका एयरक्राफ्ट नहीं आ पा रहा है। तो अभी न्यूज़ जो है वो एयरक्राफ्ट से रिलेटेड है कि आखिर जेट एयरवेज कितने एयरक्राफ्ट के साथ अपना ऑपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि जेट एयरवेज जो है वो एयरबस एंड बोइंग दोनों ही एयरक्राफ्ट को टारगेट कर रही है, यानी कि दोनों ही एयरक्राफ्ट को ले रही है। तो इसमें एयरबस A320neo एंड बोइंग 737 MAX प्लेन पे जेट एयरवेज फोकस कर रही है। तो A320neo जो जहाज़ है वो 3 ले रही है जेट एयरवेज और बोइंग 737 MAX 2 जहाज़ ले रही है। तो अगर रिपोर्ट्स की माने तो टोटल 5 एयरक्राफ्ट के साथ जेट एयरवेज अपना ऑपरेशन को स्टार्ट कर रही है। और कब कर रही है, पहले तो जो टाइम था वो अगस्त में था, फिर सितंबर हुआ और अभी अक्टूबर के एंड तक, यानी कि इस मंथ के एंड तक जो उसका ऑपरेशन है वो स्टार्ट हो सकता है, तो ऐसा रिपोर्ट्स बता रही है। तो बस देखना यह है कि क्या जो जेट एयरवेज है वो अपना स्ट्रेटजी को फुलफिल करने में समर्थ हो पाएगी। जो एयरबस और बोइंग लेन का जो फैसला है जेट एयरवेज का, वो क्या सही साबित हो सकता है, बिकॉज उनको दोनों टाइप के एयरक्राफ्ट को मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये एक काफ़ी चैलेंजिंग थिंग होता है किसी भी एयरलाइंस के लिए, किसी भी MRO के लिए, जब वो मोर देन वन टाइप के एयरक्राफ्ट को मेंटेन करते हैं, ऑपरेट करते हैं, तो ये काफ़ी चैलेंजिंग होता है। तो फिलहाल के टाइम में लो कॉस्ट करियर इंडिगो, विस्तारा, गो एयर को पीछे छोड़ पाएगी। सो ये देखना बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होगा। सो मैं भी वेट कर रहा हूँ कि जेट एयरवेज का जो ऑपरेशन है वो बहुत बहुत जल्द से जल्द स्टार्ट हो जाए, और ऑब्वियसली आप लोग तो वेट कर ही रहे हो। सो गाइस, ये हमारा आज का वीडियो। आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि इस तरह से आपको एविएशन से रिलेटेड, एमी से रिलेटेड, पायलट से रिलेटेड, जॉब वैकेंसी एंड सैलरी से रिलेटेड रेगुलर वीडियो मिलता रहे और ऑब्वियसली जेट एयरवेज से रिलेटेड। सो गाइस, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, तो आप मुझे सीधे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम का आईडी है, यहाँ पर आपको इंस्टाग्राम का लिंक है, डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे जाकर मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो एंड कोई भी क्वेश्चन को भी क्वेरी जो आप पूछ सकते हो। चलिए मिलते हैं किसी नए एक्साइटिंग वीडियो में। टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, डू डेवलप, प्लीज डोंट ट्रबल एनीबडी। टेक केयर एंड सी यू। जय हिंद।